टाउन है, वैसे ये एक कैपिटल स्मार्ट सिटी बन रहा है। अब उसमें क्या टेक्नोलॉजी होगी क्या होगा, लेकिन ये तो एक डिफरेंट चीज़ ही डिफरेंट है ना, गवर्नमेंट लेवल पे है तो ये। लेकिन क्या स्कूल सिस्टम, क्या वो सारा कुछ है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन के कॉर्नर मिक्स रिएक्शन वीडियो में। सो गाइस, आज जिस वीडियो का हम मिक्स रिएक्शन लेकर आए हैं उसका नाम है ढोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात इंडिया। सो गाइस, आज का वीडियो ढोलेरा स्मार्ट सिटी पे है जो की गुजरात में पीएम मोदी द्वारा बनवाया जा रहा है। गाइस, ढोलेरा स्मार्ट सिटी 120 किलोमीटर बड़ा होगा जो कि भावनगर को अहमदाबाद से जोड़ेगा और ये भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आल रिएक्शन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो चेकआउट करें। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे देश में बन रहे एक न्यू स्मार्ट सिटी ढोलेरा के बारे में, जो जापान के शहर जैसे टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसे एनवायरनमेंट और मुंबई जैसे इकोनॉमी से भरपूर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी सिस्टम, लॉन्ग हाईवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में पोर्ट भी मौजूद होगा। एक ऐसी शहर बनाई जा रही है जो हर तरफ से अनोखा है। शहर के हर एक चीज को स्मार्ट नेटवर्क से जुड़े जा रही है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो या फिर और कुछ, सब कुछ स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है और इसलिए इसे फ्यूचर स्मार्ट सिटी भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं ढोलेरा के बारे में डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। गुजरात के अंदर बन रहे इंडस्ट्रियल सिटी ढोलेरा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस शहर को अहमदाबाद शहर से 45 किलोमीटर दूर समुन्दर के किनारे बनवाई जा रही है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में ढोलेरा सिटी का प्रपोज किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च की गई और 2016 में इस शहर को बनाने का काम जोर शोर से चलने लगा है। ढोलेरा सिंगापुर से भी बड़ा होने वाला है, जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, वही ढोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनाई जा रही है। ढोलेरा को स्पेशली इंडस्ट्रियल हब बनाने की ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज ढोलेरा पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाए और इसलिए शहर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है, ताकि ज्यादा करके ग्लोबल कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इसलिए पूरे सिस्टम को एक छोटी सी विंडो में बदल दी। किसी को भी कुछ भी चाहिए एक सिंपल प्रोसेस से इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो लैंड हो, न्यू कंपनी सेटअप करना हो, बिल्डिंग्स बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, एक छोटी सी क्लिक से सारी चीज आपके मुट्ठी में। और बताने की जरूरत नहीं, इतना इजी प्रोसेस होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए थोड़ा नजर शहर के डेवलपमेंट पर डालते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे हर एक चीज स्मार्ट बनवाई जा रही है। ढोलेरा में कोई वायर्स ऊपर से नहीं जाएगा, सारे के सारे अंडर पाइपलाइन से ले जाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट कनेक्शन, वाटर लाइन, ड्रेन लाइन, सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाएगा। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बारिश होने के बाद पानी शहर के अंदर जमा नहीं होगा, इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। शहर में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग एकदम अलग अलग रखा गया है, इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ही कम होगा। शहर के अंदर स्मार्ट हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्मार्ट पार्क, स्मार्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्मार्ट इंस्टीट्यूट, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए भी तो कोई मैनेजमेंट होना चाहिए, इसलिए शहर के अंदर ABCD बिल्डिंग बनाई जा रही है। बच्चों की पढ़ने की ABCD नहीं, ABCD का फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन काम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर ढोलेरा। शहर में जो कुछ भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है वो सारे इंटरनेट के द्वारा ABCD बिल्डिंग में कनेक्ट रहेगा। इन सारे टेक्नोलॉजी को मॉनिटरिंग के लिए 24 आवर्स लोग रहेंगे। कोई भी फैसिलिटीज में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ABCD बिल्डिंग उन डिपार्टमेंट के लोगों को खबर कर देगा। लाइक कोई भी बिल्डिंग में आग लगी हो, कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम या फिर भूकंप जैसे हादसे में ABCD बिल्डिंग शहर के लोगों को पता लगने से पहले ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सतर्क कर देगा। इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए 5 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी शहर में। बिजली तैयार करने के लिए भी यहाँ पे सोलर पैनल का यूज किया जाएगा। बताया जा रहा है ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा,
मतलब जरा सोचिए, शहर अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है लेकिन प्लानिंग पूरी तरीके से हो चुका है। शायद इसे कहते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। अब कोई भी शहर बने, खासकर इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसलिए 6 लेनों की एक्सप्रेस वे, धोलेरा अहमदाबाद मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सामुद्रिक पोर्ट भी शामिल है। मतलब शहर में ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी शहर में इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी बन रहे और शहर में क्या क्या होने वाला है, शायद मैं किसी और वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लगा बिल्कुल दुबई की तरह लग रहा था और स्मार्ट सिटी था, और ये तो एनिमेटेड वीडियो थी लेकिन जितनी इसमें वो बता रहे थे कंस्ट्रक्शन वाइज और सब कुछ, तो बहुत ऑसम लगा मुझे। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था जो इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ तो पहले से हम देख चुके हैं, तो ये धोलेरा भी उसमें एक आता है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा था। मुझे तो दुबई वाली फीलिंग आ रही थी कि उस तरह की बिल्डिंग्स और सारा कुछ, रोड्स और जो पानी वगैरह जमा ना हो, तो सारा एक प्लानिंग से बनाया गया और ग्रीनरी भी बनाई गई है, तो बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट लगा मुझे। मतलब ये धोलेरा था जो भी था, ऐसा वैसा शौक करके सब कुछ स्मार्ट है इसमें। इसमें सब कुछ स्मार्ट होगा, मतलब जमीन के जिस तरह भी इस्लामाबाद में हमारे वो नहीं है, नीचे से पहले वाला निजाम अलग था, खंभे लगते थे, तारे जोड़ दो। अभी भी बाकी सिटीज में यही होता है, सिर्फ इस्लामाबाद में वायद है जो हमें नहीं है, बाकी जो मतलब छोटे छोटे जिस तरह बैरी टाउन हो गए उनमें नहीं है ये सिस्टम। बाकी लेकिन यार सच में बहुत शॉकिंग है ये। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज में एबीसीडी बिल्डिंग लगी, सबसे पहले प्रॉब्लम जैसे मतलब कोई हल्की सी कुछ भी हुआ उधर, उनको फौरन पता लग जाएगा इधर फॉल्ट है, फौरन बंदे भेजेंगे। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, और अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा। और जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में।